हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे होने वाला फायदा एक पर्टिकुलर शेयर को, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो मार्केट में आए, नॉलेज ले सबसे पहले, और नॉलेज लेने के बाद इन्वेस्ट करें, फिर उसके बाद जो पैसा होने का बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड बातें करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट द फ्यूचर एंड द ऑप्शंस। बट अगर फिर भी हम उसमें अच्छा खासा पैसा इन दो तरीके से कमा सकते हैं, और ऐसा नहीं छोटी मोटी अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट। तो आइए मार्केट में को सीखिए, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करिए। और आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी सहूलियत के लिए, इन प्लेलिस्ट पे जाइए, गो थ्रू करिए, अच्छा खासा पैसा आपका मार्केट में बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारी वीडियोस, कल की डेट में एक वीडियो आई थी, इससे पहले वीडियो आई है, इन वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा खासा पैसा आपका बन सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसकी बात करेंगे, बट उससे पहले एक न्यूज जो कि जिससे उस शेयर को फायदा मिलेगा, आई थिंक आप सभी लोग पहचान गए होंगे किससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं, बट आपको बताना चाहता हूँ। आईपीओ, जोमेटो के आईपीओ को हरी झंडी मिल चुकी है, एंड नाउ द जोमेटो आईपीओ इज गोइंग टू कम। और कब आने की तैयारी में है, देखिए डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, बट काफी न्यूज आ रही है कि 19th ऑफ दिस मंथ, मतलब 19 तारीख को यहाँ पर ये आईपीओ आने को दिख सकता है। और इस आईपीओ की बहुत ज्यादा होड़ लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डैक्स क्लियर फॉर लिस्टेड एज फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म गेट्स सेबी अप्रूवल, मतलब यहाँ से अप्रूवल मिल चुका है जोमेटो आईपीओ को। एज वेल एज अगर बात की जाए यहाँ पर, कैन जोमेटोज एग्जिस्टेंस फॉरन इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब टू इट्स आईपीओ बैंक टू आरबीआई सेबी, मतलब फॉरन के लोग भी बहुत एक्साइटेड है अबाउट दिस आईपीओ, एंड दे वॉन्ट टू लाइक इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी ने पहले ही आईपीओ से पहले ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चालू कर दी थी, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर देखे तो सेबी गिव्स ग्रीन सिग्नल टू जोमेटोज आईपीओ विल इशू सो मेनी न्यू शेयर्स लिस्टेड पॉसिबल बाई मिड जुलाई। तो काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं, बट अगर बात की जाए सबसे पॉपुलर जो आईपीओ वी आर वेटिंग फॉर, अगर बात करें तो ये सेबी है। सेबी ने जिस आईपीओ को अभी हरी झंडी दे दी है वो है जोमेटो का आईपीओ, और बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। इसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, वंस द ऑल द डिटेल्स विल बी क्लियर आउट एट दैट टाइम आई विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल द रिलेटेड थिंग्स। तो अगर बात करें, अभी आएंगे तभी बात करेंगे से रिलेटेड बात। अगर बात करें जोमेटो का आईपीओ 19th ऑफ जुलाई को आ सकता है, मिड जुलाई की बात हो रही है, बट 19th को यहाँ पर आ सकता है। कुछ ऐसे पीछे से न्यूज यहाँ पर सुनने में आई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आईपीओ से रिलेटेड। और अगर बात करें इस आईपीओ से किसको फायदा हो सकता है, तो इस आईपीओ से एक कंपनी है जिसे बहुत अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है, यहाँ पर आप देख लीजिए, इन्फो एज, मतलब नौकरी, जिसका शेयर हमने काफी बार यहाँ पर डिस्कस किया है, स्विंग ट्रेडिंग भी करी है इससे पहले। और इससे पहले अगर बात करें तो 4300 रुपये ये शेयर हुआ करता था, तब से यहाँ पर इससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, हिस्सा बनाइए, कभी भी न्यूज आ सकती है। और जिस तरीके से ये शेयर गिरने के बाद यहाँ पर चलना शुरू हुआ था 2-3 दिन पहले, यहाँ पर अगर हम बात करें, रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गिरा, और फिर उसके बाद यहाँ पर भागना शुरू किया, तो समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है शेयर में। तो यहाँ पर बात करें 5365 का यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है, और उसके जितने भी प्रीवियस हाई लगे हैं, या बात करें 52 वीक हाई है या ऑल टाइम हाई जो भी है, वो आपको हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें 70,000 के आसपास, 70,000 करोड़ रुपीज के आसपास का मार्केट कैप है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। डेट की इक्विटी की बात करें 1% का यहाँ पर डेट है, और उसी की बात करें 4.13% की हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट न्यूज से रिलेटेड, हमने बात करी थी जोमेटो का आईपीओ आने वाला है। तो अगर जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, तो यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर जोमेटो में आई थिंक 19% या समथिंग परसेंट की यहाँ पर हिस्सेदारी है, यहाँ पर एक बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर नौकरी भी, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितने परसेंट की हिस्सेदारी कितनी। यहाँ पर है जोमेटो, देखिए 19.3% स्टेक्स, ओके। यहाँ पर इट जनरेटेड रिवेन्यू फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेस्टोरेंट एंड लीड सेल्स, जोमेटो इज वर्ल्ड्स लीडिंग रेस्टोरेंट सर्च डिस्कवरी एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर इंडिया में ही नहीं, जोमेटो ने अब इंटरनेशनल भी काम करना शुरू कर दिया। एज वेल एज अगर बात करें 19.3% का स्टेक किसके पास है, इन्फो एज के पास है, और इन्फो एज को इस शेयर का बिल्कुल फायदा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बात करें काफी बेहतरीन यहाँ पर ये शेयर नजर आ रहा है, और जब ये शेयर 4300 के आसपास था, 2-3 बार गिरा था, मैंने आपको बताया भी था,
वहां पर स्विंग ट्रेडिंग करने वालों ने स्विंग ट्रेडिंग से पैसे भी कमाए, बट अगर बात करें लॉन्ग टर्म की बैट थी, क्योंकि यहाँ पर बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर गेन अब होता हुआ दिखाई देगा। सेल्स की बात करें, सेल्स में गिरावट है जस्ट बिकॉज यहाँ पर लॉकडाउन था और कुछ यहाँ पर कंपनी के जो जिसने इस कंपनी ने जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है वो कंपनी आर नॉट डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। अगर बात करें यहाँ पर अब वो कंपनी दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो गई है, सब कुछ बिजनेस लाइन पे आ गया है, जो पिछले नेगेटिव में यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा था पॉजिटिव में आ गया है, पॉजिटिव में यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे एक साल और देंगे तो ये शेयर और भागता हुआ प्रॉफिट में जनरेट और ज्यादा करता हुआ नजर आएगा। स्टिल अगर बात करें इस साल का जो प्रॉफिट है 1407 करोड़ रुपए का है, वो भी हाईएस्ट एवर है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम, बट स्टिल अगर बात करें हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट है ईयरली बेस पे। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो देखिए 5331 मतलब 5331 करोड़ रुपए के रिजर्व्स है, 65 करोड़ की ही बोरिंग है, वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी बात है। फिक्स एसेट अच्छी खास है, 210 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 2324 करोड़ रुपए की है। तो ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी ऐसी ऐसी छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो कि बाद में यूनिकॉर्न होती हुई या फिर बात करें बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी होती हुई दिखाई देती है। अगर बात करें $1 बिलियन की कंपनी हो जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 642 करोड़ रुपीस का कैश भी है इसके पास, जो भी पैसा आता है बुक में साफ दिखाई देता है यहाँ पर। और अगर बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, 38.41% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स की है, FIs की होल्डिंग 39.33% की है, DIs की होल्डिंग 11.25% की है, और नॉर्मल पब्लिक की बात करें तो नॉर्मल पब्लिक के पास केवल 5% के आसपास की हिस्सेदारी दिखाई देती है, बाकी सारी यहाँ पर बड़े बड़े हाथों में यहाँ पर हिस्सेदारी है। तो इस चीज को समझ के अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी बहुत आगे ग्रो भी करने वाली है। और अब जोमेटो का IPO आ रहा है, तो इन्फो एज आई थिंक 750 करोड़ रुपीस के आसपास का यहाँ पर इन्फो एज में OFS लाने की तैयारी में है, और जब OFS यहाँ पर पैसा आएगा तो ऑब्वियस बात है कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल्स की, तो अगर हम टेक्निकल्स की बात करते हैं सबसे पहले इसका ऑल टाइम हाईज की बात कर लेते हैं। तो इसका ऑल टाइम अगर हाई हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इसका ऑल टाइम हाई कहाँ कितना आ रहा है, लगभग 5900 के आसपास यहाँ पर ऑल टाइम हाई आ रहा है। बट हम बात करते हैं यहाँ पर रिसेंट टारगेट की, तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी ने पहले यहाँ पर जो अगर बात करें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया था, फिर एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर से नीचे गिरा और नीचे गिर के फिर दोबारा ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया और ब्रेकआउट की तरफ ही तरह ही ये लग रहा है। और ये जैसे तरीके से यहाँ पर न्यूज आ गई है तो यहाँ पर तो ये शेयर भागना ही भागना है, तो इस चीज को हम देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक कप बनाया और कप बनाने के बाद यहाँ पर छोटा सा ये हैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। और मुझे लगता है कि अब इसके जितने भी टारगेट है वो सब के सारे अचीव होते हुए दिखाई देंगे। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि कितना यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहा है तो यहाँ पर इस चीज को हम देख लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग टारगेट की बातें की जाएगी तो यहाँ पर इस चीज को देखते रहिएगा। यहाँ पर अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर लगभग अभी कितना टारगेट नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है 6600 के आसपास। तो 6600 के आसपास ये शेयर जा सकता है, और जो कि लगभग कितना होता है अभी रिसेंट से भी देखे तो लगभग 23-24% का आपको प्रॉफिट होने को दिख सकता है। बट इसके और भी बहुत सारे टारगेट है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला टारगेट तो इसका ये वाला होगा जो कि इसने यहाँ पर अभी रिसेंट बनाया था, 5500 के आसपास का, जो कि लगभग 1% होगा, ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4% का यहाँ पर टारगेट पहला, और फिर उसके बाद दूसरा टारगेट की अगर बात करें तो दूसरा टारगेट इसका ऑल टाइम हाई है जो कि लगभग कितना है 9% का, और जो चार्ट के हिसाब से देखें तो 6600 का जो कि अचीव होना ही होना है, और शायद ये अभी अचीव हो सकता है क्योंकि अभी भी अगर बात करें कुछ 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर रिमेनिंग है और पूरा IPO लिस्ट होने तक, शायद अगर 19 तारीख को IPO आता है तो पूरा का पूरा महीना हमें 20 दिन यहाँ पर दिखाई देंगे, तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बन सकता है इस शेयर में भी, तो इसकी तरफ नजरें बनाइएगा। बाकी जोमेटो में तो अप्लाई करना ही है, अभी से ही बात की जा रही है, बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो व्यू था जिससे रिलेटेड आप मुझे आपको बताना था वो ऑलरेडी मैंने आप बता दिया, अच्छा खासा यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस तरीके की वीडियो पाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।